दोस्तों, आज एक लंबे टाइम के बाद मैं फिर आपके बीच लाइव हूं और YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच कुछ BUSD प्रोजेक्ट के जो पूरे प्लान है उसके बारे में मैं चर्चा करने आपके बीच आया हूं। और उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है, पर्पस यही है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास करूं मैं, और BUSD प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है, प्लान का चारों प्लान कैसे रन करते हैं उसके बारे में मैं डिटेल्स आपके सामने बात कर रहा हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाएं। जैसे कि आपको नीचे में दिख रहा होगा, शशि MLM किंग मेरे चैनल का नाम है। आप इस पे ही देख रहे हैं ये वीडियो, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप और आपकी टीम के पास जाए तो इस चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से नॉलेज पास करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ शशि कुमार, भागलपुर बिहार का हूं और इस फॉरसेट BUSD प्रोजेक्ट में लगभग आज से 17 महीने पहले मेरी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले अभी हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपको पता है कि आज नया साल है, यानी 2022 की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि 2022 में आप सभी के लाइफ में वो सभी कुछ आ जाए जो आप चाहते हैं और जो आपने आज तक सोचा नहीं है वो भी आपके लाइफ में फोर्सेस के माध्यम से हो जाए। इसलिए मैं अपने वीडियो को शुरुआत करने के पहले नए साल का विश आपको मैं करना चाहता हूं। पग पग में फूल खिले, पग पग में फूल खिले, खुशी आपको भरपूर मिले, कभी ना हो आपका दुखों से सामना, यही है शशि कुमार की शुभकामना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे, जो भी व्यक्ति पहली बार इस BUSD प्रोजेक्ट के प्लान को देख रहे हैं ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको प्लान दिखाने के पहले बता देता हूं, फोर्सेस का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा और समझ में नहीं आया तो पहले जैसा। इसलिए दोस्तों प्लान के अंदर ही पैसा है और आपको समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके बीच उसका नाम है FORSAGE, फोर्सेज। सबसे पहले इसका परिचय दे दूं मैं आपको फोर्सेज का। फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है दोस्त, मैं यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। दूसरा मैं लिख रहा हूं नो ऑनर, इसका कोई मालिक नहीं है। नो MD CMD, इसका कोई MD CMD भी नहीं है। नो प्रोडक्ट, इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, खरीदना बेचना नहीं है, साबुन पेस्ट तेल चाय पत्ती। नो क्लोजिंग, इसमें पे आउट लेने के लिए क्लोजिंग का वेट नहीं करना पड़ेगा, विद इन ए सेकेंड पैसा आ जाएगा। और लास्ट में लिख रहा हूं नो एडमिन, यानी एडमिन सेक्शन नहीं है इसके अंदर, इसलिए आपका कैरियर सुरक्षित है। कारण क्या है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर या किसी भी कंपनी में जहां MD CMD ऑनर मालिक रहेगा वहां पे कभी भी वो प्लान चेंज कर सकता है, कभी भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकता है, आपके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एडमिन सेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा मजा क्या है, यहाँ पे ना आईडी ब्लॉक होगी, ना पेमेंट रोका जा सकता है, ना ट्री टूटेगा, ना कभी आपका कटेगा, ना ही आपका हेलीकॉप्टर एंट्री होगा आपके ऊपर, कुछ भी ऐसा जो इंडियन कंपनियों में होता है या हो रहा है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके फोर्सेज के अंदर कोई नहीं कर सकता। चलिए बात करते हैं इसका वेबसाइट क्या है, www.forsage.io इसका वेबसाइट है। इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो सर हैं, जो रसिया के रहने वाले हैं और ये खुद एक डेवलपर हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फोर्सेज के जो डेवलपर हैं मिस्टर लाडो, जो रसिया के रहने वाले हैं, उन्होंने डेवलप करके इसको ब्लॉकचेन पे जब डिप्लॉय कर दिया तो उनको क्या फायदा हुआ। दोस्तों एक नंबर आईडी मिस्टर लाडो की है, आप चाहें तो फायदा देख सकते हैं, एक नंबर आईडी यानी पूरे वर्ल्ड भर में जितने भी लोग हैं आज सभी लोग उसके नाम में हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात पढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, पे आउट लेने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है, यहाँ P2P पे आउट बढ़ जाता है और वो भी 100% पे आउट है दोस्तों। यानी अगर
एक रुपये का बिजनेस होगा तो एक रुपया बटेगा, एक लाख का बिजनेस होगा तो एक लाख, एक करोड़ का होगा तो एक करोड़, एक अरब का होगा तो एक अरब, और विद इन ए सेकेंड इंस्टेंट पे आउट है, इंस्टेंट इंस्टेंट पे आउट है, यानी तुरंत आपको पे आउट आ जाएगा। और छोटी सी मैं उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर अपना कैरियर तलाश रहे, मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए लगभग 20 साल से भी ज्यादा हो चुका है, 20 साल प्लस मेरा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर। मैं उस आधार पे आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी कंपनी में जब कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसका MRP होता है, उसकी DP होती है, उस पर BV मिलता है और प्लान बनता है BV के ऊपर, और उसके बाद कमीशन आता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको पता भी होगा, सिर्फ मैं आपकी जानकारी के ऊपर जो धूल जम गया है उसको मैं फ्रेश करना चाह रहा हूं, झाड़ना चाह रहा हूं। दोस्तों मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 150 रुपया का है, तो कंपनी ने अगर DP प्राइस 100 रुपया रखा तो 100 रुपया आप पे करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर बिजनेस वॉल्यूम है, मान लू 50% भी बिजनेस वॉल्यूम है, तो 100 रुपया के DP पे आपको 50 BV मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जान लीजिए कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के अंदर जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पीड में फ्लो होता है, जिसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग होता है, उस पर कभी भी 50% BV कोई कंपनी देती नहीं है। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में 50% देती है, नोनी जूस, एलोवेरा, तुलसी, ये वो, ये सब कोई प्रोडक्ट जो बेचना पड़ता है उस पर BV ज्यादा मिलेगा, और जो ऑटोमेटिक बिकता है उसमें BV बहुत कम मिलता है, ठीक है। फिर भी मैंने मान लिया कि 50% BV है तो 50 BV मिला, और कंपनियों के प्लान जो होते हैं BV के ऊपर बनते हैं, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। अगर मैं मान लू 60% का भी प्लान कंपनी ने बना रखा है, तो 50 BV का 60% होगा 6×5=30, यानी 30 रुपया कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी अकॉर्डिंग टू प्लान, टॉप टू बॉटम सबको। ये आपको नहीं मिलेगा टॉप टू बॉटम, आपको कितना मिल सकता है, इसका ज्यादा ज्यादा आपको 10% मिल सकता है, यानी 3 रुपया आपको कमीशन आ सकता है 100 रुपया DP के प्रोडक्ट पे। कुछ लोग बोलते हैं सर MRP में जो हम बेचते हैं तो 100 रुपये में 50 रुपया तो यहां भी मेरे को मिलता है, 100 पे करता हूं और 150 रुपया MRP में सेल कर देता हूं प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं आज मार्केट में कोई व्यक्ति ऐसा बेवकूफ नहीं बैठा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट MRP में खरीदता है, सबसे पहले बोलता है DP कितना, खरीदारी कितना है। इसलिए ये कुछ भी नहीं है, आपको बस यही समझ लीजिए कि 3 रुपया से ज्यादा 100 रुपया का प्रोडक्ट सेल करने से 3 रुपया ज्यादा नहीं आता। लेकिन हम फोर्सेज करने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्सेज में अगर 100 रुपया का बिजनेस हम करते हैं तो सिस्टम 100 रुपीज यानी 100% यानी 100 का 100 पूरा बांट देता है, और यही कारण है कि 100 का 100 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण आप और हम कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां कोई प्रोडक्ट का झंझट नहीं है, कोई ऑफिस का झंझट नहीं है। और आपको मैं बता दूं आज किसी भी कंपनी को अगर हम लोग जीरो से हीरो बनाए हैं तो वो कंपनी छोटी थी बहुत बड़ी बन गई आपके और मेरे मेहनत के कारण, ठीक है। आप अगर मान लीजिए कहीं पे 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया महीने की इनकम प्रोडक्ट बेस में कर भी रहे हैं तो आप देखिए कितने रुपए का धंधा कंपनी को आपने दिया, ओवरऑल टोटल टीम से कितना बड़ा टर्नओवर दिया है। तो आज के डेट में आपके काम से बहुत सारे कंपनियों का बहुत बल्ले बल्ले हो गया, लेकिन आप और हम जहां थे वहीं हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं आज फोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने क्यों कमाया, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपीज का धंधा आता है तो 100 रुपीज पूरा बढ़ जाता है। और कहाँ बढ़ता है दोस्तों? आप में, आपकी अपलाइन में, आपके डाउनलाइन में और क्रॉस लाइन में, यानी आप जिनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं उसी के बीच ये पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि हम और हमारे लोगों के लिए फोर्सेज करना है, यानी आपको अपने लिए और अपने ग्रुप के लोगों का भला करने के लिए फोर्सेज को ज्वाइन करना है, क्योंकि फोर्सेज 100% पे आउट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो अच्छी बात है कि आप और आपके लोग जल्दी से कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा अर्निंग करेंगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कम टाइम में पैसा कमाएंगे तो ये फ्रॉड भी हो सकता है, चीट भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं फोर्सेज 100% डिसेंट्रलाइज है, और ये जन्म हुआ था फोर्सेज का जन्म हुआ था 31 जनवरी 2020 को, यानी आज लगभग इनको 23 मंथ हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। कारण क्या है? इसमें एडमिन सक्सेस नहीं है,
ये क्यों चल रहा है और ऐसा ही क्यों चलता रहेगा, कभी भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्यों नहीं आएगा, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, ये सिस्टम ब्लॉकचेन पे चलता है और ब्लॉकचेन दुनिया में तब तक रन करेगा जब तक इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है। इसलिए दोस्तों आप कभी भी किसी की बातों में नहीं आइएगा कि ये बंद हो जाएगा 2 महीने बाद 4 महीने बाद। कोई व्यक्ति ये आपको अगर बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसको ब्लॉकचेन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप YouTube पे सर्च करें ब्लॉकचेन क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर फॉरसेट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है इसका मतलब है ये कभी भी बंद नहीं हो सकता और इसका प्लान भी चेंज नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, TRUST ट्रस्ट वॉलेट। दोस्तों ये ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इसमें 12 की मिलेगा जो लॉकर का चाबी होगा एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि आप यहां पे काम करेंगे डिजिटल पैसा कमाएंगे, तो डिजिटल पैसे को रखने का डिजिटल पर्स है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। इसमें 12 की मिलेंगे, वो की किसी के साथ लाइफ में शेयर मत करिएगा, अगर आपने शेयर किया इसका मतलब है कि आपके पैसे का वो भी मालिक बन जाएगा उतना ही जितना आप है। और दूसरा, अगर ये आपने सेफ नहीं रखा, सेफ का मतलब आपने लिख करके नहीं रखा और किसी कारण बस मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया या फॉर्मेट हो गया, तो आपका ये रिकवर नहीं होगा, यानी फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं होता। इसको आपको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझ करके रखना है, डायरी में नोट करके, ड्राइव में सेव करके, मेल पे जहां भी आपको रख सकते हैं सुरक्षित आप रखें इसको, क्योंकि कभी कल दिन मोबाइल चेंज करने की नौबत आ गई तो यही 12 वर्ड जो आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट होने के टाइम में मिला था आपको ये काम करेगा, नहीं तो आपका वॉलेट खुलेगा नहीं, आपके पैसे आईडी पर जितने भी बनेंगे आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने जान से भी कीमती है ये, इसलिए कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और दूसरा कभी भी आपका ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि सर यहाँ पे जब हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फंड रखते हैं तो कैसे ज्वाइनिंग होता है और कैसे कमीशन आता है। दोस्तों सिंपल सा बात है, आपका ट्रस्ट वॉलेट जो है डिसेंट्रलाइज है, इसमें आप अपना BUSD रखेंगे जिसपे काम करेंगे हम लोग करेंसी पे, BUSD स्टेबल कॉइन है, BUSD जैसे हम इसमें रखेंगे तो किसी का लिंक लेकर के जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारे BUSD डायरेक्ट हो जाते, कट जाते हैं और मेरी आईडी क्रिएट होती है। जब आपकी आईडी क्रिएट हुई आपके वॉलेट से तो आपकी आईडी पे जितना भी कमीशन आएगा इसी वॉलेट पे आएगा, एकदम डन है, कभी भी गलती नहीं होगा कि आपका कमीशन किसी और के पास चला जाएगा, नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू प्लान जो होना है वो होगा। ठीक है, तो प्लान को गंभीरता से समझेंगे दोस्तों। अभी मैं आ जाता हूं डायरेक्ट, ये मैंने आपको एक फॉरसेज के बारे में थोड़ा सा रिव्यू आपको दिया कि फॉरसेज क्या है, ये कैसे काम करता है। फॉरसेज कोई कंपनी नहीं है, कोई MD CMD नहीं है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जब MD CMD नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो चलेगा कैसे। दोस्तों आज के डेट में आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, आपको अदर कंपनियों के जितने वीडियो नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा वीडियो आपको फॉरसेज का मिलेगा और सारे सफल वीडियो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फॉरसेज 1 रुपया का भी बेमानी शैतानी 23 मंथ में अभी तक किया नहीं है और जीवन में कभी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 100% दुनिया का सबसे पहला डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको देखकर के आज मार्केट में बहुत सारे सिस्टम पैदा होते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्रॉड करने का उम्मीद से सिस्टम आता है, फ्रॉड करके चला जाता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत सिस्टम में ना जाए, 100% डिसेंट्रलाइज और 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम में आइए और जिंदगी बदल लीजिए। इसमें प्लान कैसे होता है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। प्लान आपका चलेगा BUSD पे, आपको 28 BUSD अपने वॉलेट में रखना होगा, प्लस 10 रखना होगा आपको स्मार्ट चेन। आपको पता होगा जो आपको इनवाइट किए उनसे पूछिएगा स्मार्ट चेन क्या होता है, तो 10 BUSD आपको स्मार्ट चेन में रखना होगा $10 और 28 BUSD, ये टोटल हो गया 28 + 10 = 38। दोस्तों 1 BUSD का कीमत 80 रुपए के हिसाब से है अप्रोक्स, क्योंकि मैं आपको अप्रोक्स में ही बताऊंगा, अप्रोक्स 3000 रुपया यानी INR का बात मैं कर रहा हूं, 3000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत हम कर सकते हैं। आपको 3000 कहां रखना है, क्योंकि हम और आप इंडियन हैं तो आपको क्या करना है, 3000 जिनके थ्रू जुड़ रहे हैं उनको देना है या फिर आपको एक्सचेंजर के थ्रू पैसा देकर के $3000 लेना है। ठीक है, और जब आप जुड़ेंगे तो कमाएंगे BUSD,
जब जुड़ेंगे बीयूएसडी से तो कमाई भी बीयूएसडी होगी। इसका मतलब है कि आपको आईएनआर बनाने के लिए भी वही सिस्टम फॉलो करना है जो सिस्टम आप ज्वाइन के टाइम में फॉलो किए थे। क्या किया था? किसी को पैसा दे करके आपने पीटूपी के माध्यम से फंड लिया था, किसी के वॉलेट से अपने वॉलेट में पैसा दे करके, तो आपके वॉलेट में भी फंड आएगा तो कोई ना कोई बंदा आपको पैसा देगा, आप अपना वॉलेट उनको ट्रांसफर कर देंगे फंड। दूसरा, आप एक्सचेंजर के थ्रू अपना बीयूएसडी लिए थे तो आप यहां एक्सचेंजर के थ्रू अपने बीयूएसडी को इंडियन करेंसी बनाकर अपने खाते में पैसा ले सकते हैं। ठीक है, खाते में पैसा लेना बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको सीखना पड़ेगा। और कैसे होता है ये मेरे YouTube वीडियो में ऑलरेडी, मेरा चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम आप देख पा रहे हैं, शशि MLM किंग, ये मेरा वीडियो उसी चैनल पे अपलोड हो रहा है। तो अब बात करता हूं 28 बीयूएसडी। तो भाई साहब यहां पे प्लान है हमारा X3, दूसरा प्लान है X4, तीसरा प्लान है XXX और चौथा प्लान है दोस्त X Gold। तो सबसे पहली बात, आप यहां पे 28 बीयूएसडी जो डिडक्ट करवाएंगे, यानी आपकी ज्वाइनिंग के लिए जो 28 बीयूएसडी डिडक्ट होगा वो कैसे कैसे होगा आपको ये समझना है। X3 का जो पहला स्लॉट है वो है दोस्तों 5 बीयूएसडी का, X4 का पहला स्लॉट 5 बीयूएसडी का है, XXX का पहला स्लॉट 8 बीयूएसडी का है और X Gold का पहला स्लॉट 10 बीयूएसडी का है। तो आप देखिए 5 5 10 और 8 18 और 10 28, 28 बीयूएसडी आपका डिडक्ट हो गया आपके वॉलेट से और तुरंत 28 बीयूएसडी कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसको जाना है अकॉर्डिंग टू प्लान चला गया। यही है कमीशन। कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ही नहीं है तो कमीशन कैसे बटेगा? भाई साहब, जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन करता है उसके जो बीयूएसडी डिडक्ट होते हैं उसी टाइम किसी न किसी के पास कमीशन भी चला जाता है और तुरंत चला जाता है, पलक झपकने में जितना टाइम लगता है उतने ही देर में कमीशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं मैं ये प्लान रन कैसे करता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूं प्लान, X3 का जो प्लान आप देख रहे हैं, X3 का प्लान 100% वर्किंग प्लान है, यानी आप काम करेंगे, आपका डाउनलाइन काम करेगा तो ही पैसा आएगा। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, 100% वर्किंग प्लान है X3, आप और आपकी डाउनलाइन काम करेगी तो पैसा आएगा। चलिए अब X4 में आते हैं। X4 का प्लान वर्किंग भी है और नॉन वर्किंग भी है, यानी काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन दोस्तों आपके अपलाइन या क्रॉस प्लान का काम करना जरूरी है। अगर आपको नॉन वर्किंग चाहिए तो कोई ना कोई वर्किंग करेगा तभी आपको नॉन वर्किंग आएगा, क्योंकि ये कोई आरओआई प्लान नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया दे दिया धीरे धीरे पैसा आ रहा, नहीं होता ऐसा। क्योंकि मैंने आपको बोला 100% पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन है और तुरंत हो जाता है, इसका मतलब क्या है? पैसा कहीं जमा नहीं है, इसलिए यहां पे चीट नहीं हो सकता, फ्रॉड नहीं हो सकता। चीट कहां हो सकता है, फ्रॉड कहां हो सकता है? जहां पैसा जमा होगा, यहां वॉलेट से आता है वॉलेट में जाता है, इसीलिए यहां पे साफ सुथरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। X4 प्लान आपको वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग क्यों देगा? क्यों? क्योंकि ये प्लान का डिजाइन ही वैसा किया गया है कि आपको इसमें 4 व्यक्ति के काम से पैसा आएगा X4 में। किसके काम से? सुनिएगा ध्यान से, सेल्फ, आप करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपका डाउनलाइन करना चाहिए, अगर डाउनलाइन भी नहीं किया तो भी पैसा आएगा। आपकी स्पॉन्सर जो आपको जोड़ रही है यानी अपलाइन, उसका काम करना जरूरी है, अगर वो भी काम नहीं किया तो उसका, अगर और भी लाइन है जो आपका क्रॉस लाइन है तो उसका काम करना जरूरी है। किसी न किसी 4 व्यक्ति के काम से ही X4 XXX और X Gold में पैसा आएगा। अगर आपके चैनल में कोई नहीं काम कर रहा है, ना अपलाइन, ना आप, ना डाउनलाइन, ना क्रॉस लाइन, कोई नहीं काम कर रहा है, तो आप याद रखिएगा कभी भी आपको नॉन वर्किंग इनकम भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं सर नॉन वर्किंग इनकम सोच करके मैं जुड़ा था। भाई साहब, नॉन वर्किंग इनकम तब आएगी जब आपकी अपलाइन वर्किंग में रहेगी। इसलिए इस सिस्टम के अंदर जो बंदा वर्किंग में रहता है, जिसकी आईडी ओपन करके देख रहा है लोग, वो बंदा अगर वर्किंग में है तो ही उसके साथ लोग जुड़ते हैं। यहां किसी के साथ फ्रॉड या चीट नहीं कर सकते आप, यहां सब कुछ पारदर्शिता है, यानी हर एक आईडी को ओपन करके देखा जा सकता है कि कौन व्यक्ति कितना कमाया, कितने बज के कितने मिनट में किसके वॉलेट में कितना पैसा आया, कौन से आईडी से आया, कौन से प्लान से आया, सब चीज दिखता है।
इसलिए यहाँ पे आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। हाँ, जब तक सामने वाले को नॉलेज नहीं है तो कुछ भी कर सकते, लेकिन सामने वाले को जब प्लान की पूरी जानकारी हो जाएगी तो वैसे लोगों के साथ कभी वो नहीं जुड़ेगा जो बंदा काम नहीं करने वाला, ठीक है। इसलिए X4, XXX, X Gold इस तीनों प्लान के अंदर वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग है, इसमें चार व्यक्ति का काम करना जरूरी है, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन और आपका क्रॉसलाइन। दोस्तों, आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जितने भी सालों से काम कर रहे होंगे, आपको मैं बता दूं, आपको ये पता तक नहीं है और 100% हकीकत है कि आपकी डाउनलाइन काम करती है तो अपलाइन को पैसा आता है, लेकिन अपलाइन काम करता है तो डाउनलाइन को पैसा आता है, ये नहीं सुना है लोगों ने। और दूसरा, क्रॉस लाइन काम करता है तो पैसा आता है, भाई साहब ये भी नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पे यूनिक बात है, और मैं आपको बता दूं, आपके पास प्रोडक्ट मार्केटिंग का कितनों भी पुराना एक्सपीरियंस हो, आप प्रोडक्ट मार्केटिंग के आधार पे, नॉलेज के आधार पे फोर्सेज को ज्वाइन करके बहुत बड़ा कमाना चाहते हैं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। आपको अपने नॉलेज में अपडेट करना होगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा चीज जो कि आपको हो सकता है प्रोडक्ट मार्केटिंग वाले जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको आश्चर्य लगेगा, यहां जब ज्वाइन करेंगे तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, कैंसिल चेक, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यूनिक बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, किसी की भी आईडी कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, यह भी यूनिक बात है। कभी भी प्रोडक्ट मार्केटिंग के लोगों को यह बात बोलिएगा तो समझ से बाहर है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह संभव है, सब कुछ संभव है, फोर्सेज है तो मुमकिन है दोस्त, ठीक है। चलिए, प्लान के अंदर क्या काम होता है देखिएगा, इसके नीचे तीन गोले होंगे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे तीन गोले होंगे, और तीन गोले का काम क्या है, इसके नीचे देखिएगा छह गोले होंगे, ठीक है दोस्त। इसके नीचे बहुत सारे गोले हैं, 14 गोले हैं, मैं तो बना नहीं सकता उतना गोला, मैं आपको कुछ कुछ गोले बनाकर दिखा देता हूं। दो दो के नीचे चार, ये दो है, दो के नीचे चार है, और चार के नीचे 8 गोले होंगे दोस्त, ये हो गया टोटल 14 गोले होंगे। और एक्स गोल्ड के मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके डायरेक्ट में 2 गोले होंगे, दो के नीचे 4 होंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूं, 2 यहां 4 यहां, इसके बाद होंगे 8 गोले, और इसके बाद होंगे 16 गोले, यानी टोटल 30 गोले होंगे, 30 गोला होगा। अब इसका क्या मतलब है, मैट्रिक्स कैसे चलता है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा भी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट मार्केटिंग का बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने जब इसको देखा था पहली बार 31 जनवरी 2020 को जब ये लॉन्च हुआ था, तो 15-20 दिन के बाद मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आया, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी बात, इतने सालों से मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर जो सीखा था उसमें एक भी बात मैच नहीं कर रहा था, आप भी सुनिए, मैच नहीं कर रहा है। मैंने क्या बोला शुरू में, ये कोई कंपनी नहीं, कोई एमडी नहीं, कोई सीएमडी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं, कोई एडमिन नहीं। अब आप सोचो, आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा, सब जगह एमडी सीएमडी होगा, कोई ना कोई कंपनी होगा, कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा होगा, लेकिन यहां ऑटो ऑपरेट है, इंटरनेट पे है, जब तक इंटरनेट है तब तक दुनिया में फोर्स चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, प्लान चेंज नहीं होगा। और ज्वाइनिंग में कभी भी आपका नाम, मोबाइल नंबर, कोई भी पर्सनल डेटा लगेगा ही नहीं। अब आप किसी एक बंदे को ज्वाइन कराइए, यानी आपको उनका वॉलेट बनवाना है, और उनके वॉलेट में भी 28 BUSD और 10 स्मार्ट चेन दे देना है, 3000 रुपए का फंड से स्टार्ट कर दिया काम आपने। तो जैसे वो बंदा आपकी आईडी से लिंक होता है, ज्वाइन करता है, तो देखिए वो एक बंदा आपके चारों प्लान के अंदर कैसे कैसे किस किस गोले में फिट होता है वो समझिएगा। पहला बंदा जैसे ज्वाइन करेगा, वो आपका इस गोले को फिल करेगा, 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 एक ही बंदा आपके चारों प्लान में हिट करेगा। दूसरे बंदे को ज्वाइन कराएंगे, उसका भी 28 BUSD कटेगा, उसका भी X3, X4, XXX और X Gold चारों प्लान एक्टिवेट होगा, और आपके थ्रू स्पॉन्सर है इसलिए इस गोले को वो फिल करेगा। तीसरे बंदे को ज्वाइन कराते हैं, तीसरा बंदा इस गोले को फिल करेगा, इस गोले को फिल होगा, ये गोला फिल होगा, ये गोला फिल होगा। तीन बंदे को मैं जोड़ गए, आपको प्लान समझाना चाहता हूं, लेकिन दिमाग में कभी भी ये मत सेट कर लीजिएगा कि तीन बंदे को जोड़ने का प्लान है, 3, 3 * 9, 9 * 27, 27 * 81, ऐसा करके नहीं चलता प्लान। आप मेरी आईडी ओपन करके चेक कर लीजिएगा, मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूं, मेरी आईडी नंबर है 2585। मेरी आईडी से आज 2 तारीख है, आज के डेट में मेरी आईडी से पर्सनल डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो चुका है, 219 बंदे की ज्वाइनिंग डायरेक्ट हो चुकी है मेरी आईडी से। अब आप सोचो, जब 3 आदमी को जोड़ने का प्लान अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो 219 आदमी को क्यों जोड़ दिया मैंने?
दोस्तों ये बाइनरी प्लान नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए, ये बाइनरी प्लान दो लेग का प्लान, पेयर मैच करने वाला प्लान नहीं है, और ये जनरेशन प्लान भी नहीं है कि एक लेग बनाओ दो लेग बनाओ साइड मेंटेन करो, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। यहां अगर एक बंदे को भी आपने जोड़ दिया और एक बंदा भी अगर आपका सक्सेस हो गया, काम करने वाला निकल गया, तो एक बंदे से भी करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं आप, ये ऐसा प्लान है। कोई पेयर मैच करने का, कोई साइड मेंटेन करने का झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये तीन बंदे को जोड़ के मैंने दिखाया किस किस गोले में जाके फिट हुआ। अब आपको मैं प्लान की बारीकी समझाता हूं, क्योंकि इसको जो बोलते हैं ना सर मैट्रिक्स प्लान बोलते हैं, और एक्स थ्री का जो प्लान है उसको बोलते हैं 1/3 का मैट्रिक्स, एक्स फोर को बोलते हैं 2/4 का मैट्रिक्स, ट्रिपल एक्स को बोलते हैं 2/4/8 का मैट्रिक्स, और गोल्ड को बोलते हैं सर 2/4/8/16 का मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स प्लान है और मैट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पैसा आपको आएगा प्लान से, और प्लान के अंदर गंभीरता से आपको समझनी बहुत जरूरी है। एक आदमी को जोड़ा, यहां आया, यहां आया, यहां यहां, दूसरे को जोड़ा, यहां 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 यहां, तीसरे को जोड़ा, यहां 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 और यहां। अब पैसा कैसे आता है, चारों प्लान को मैं अलग अलग डिफाइन करता हूं आपके बीच, एकदम कम टाइम के अंदर कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूं। जैसे आप देखिए X3 के अंदर पहला स्लॉट आपका खरीदा हुआ था कितने डॉलर में, $5 में, और $1 यानी एक बीओएसडी, वन बीओएसडी इज इक्वल टू 80 रुपीज, 80 रुपए के समतुल्य में लगभग है, और ये स्टेबल क्वाइन है, इसका घटना और बढ़ना बहुत ही कम है, इसलिए ये प्लान लाइफ टाइम आपके बीच स्टेबल है, ठीक है। तो यहां पे पहला बंदा जैसे ही आएगा आपको 5 बीओएसडी तुरंत आ जाएगा, तुरंत। दूसरा बंदा आएगा 5 बीओएसडी आ जाएगा, और तीसरा बंदा आएगा ये आपका अपलाइन के पास पैसा चला जाएगा, और इसको बोलेंगे रिसाइकल। ये रिसाइकल हो गया, मतलब ये कार्यक्रम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। तीन गोले हैं, बार बार भरेंगे, बार बार खाली होंगे, दो गोले से पैसा आपको आएगा, एक गोले से पैसा अपलाइन को जाएगा, और जो भी स्लॉट आपने खरीद लिया उसको जीवन में दोबारा नहीं खरीदना। जब भी स्लॉट खरीदना है उसके आगे वाले स्लॉट को परचेज करना है, जो स्लॉट आप ले चुके हैं उसमें जिंदगी भर आप रिसाइकल करें, लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, जो कंडीशन आपको प्लान के अंदर ही मैं समझाना चाहता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे समझा दिया लेकिन कंडीशन नहीं समझाया। भाई साहब कंडीशन समझना जरूरी है, बिना कंडीशन समझे आप इस प्लान की गंभीरता को समझ भी नहीं पाएंगे। कंडीशन क्या है, आपका जैसे ही तीनों गोला फुल हुआ तो आपके बीओएसडी कितने आ गए, 5 और 5 कितने आ गए दोस्त, 10। इसका सेकेंड स्लॉट का कीमत कितना है, 10, और आपको यह खरीदना जरूरी है। अगर आपने इसको नहीं खरीदा, तीनों गोला फिल हो गया ना, दो से पैसा आपने कमाया, एक से पैसा आपके अपलाइन को चला गया, और अगर आपने दूसरा स्लॉट जो 10 बीओएसडी का है आपने नहीं खरीदा, तो पहले स्लॉट का इनकम बंद हो जाएगा, नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा, जब तक सेकेंड स्लॉट नहीं खरीदेंगे तब तक फर्स्ट स्लॉट का पैसा नहीं आएगा। तो मजबूरी है आपकी, खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन सिस्टम देखिए कितना अच्छा है, आपको 5 और 5 10 दे चुका है, उसके बाद खरीदने की कंडीशन है, यानी जब तक ये तीनों गोला नहीं भरेगा तब तक कंडीशन अप्लाई नहीं है। और अगर आपने तीनों गोला भर दिया और दूसरे स्लॉट पे नहीं गए, खरीदे नहीं, तो आपका फर्स्ट स्लॉट के ऊपर एक मार्क आ जाएगा दोस्तों, और ये मार्क कह रहा है कि आप अगले स्लॉट में जाओ, नहीं जाओगे तो इस स्लॉट का इनकम बंद, और ये मार्क तब तक नहीं हटेगा जब तक आप अगले स्लॉट को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे 10 वाला जो है आपने खरीदा, और तुरंत आप देखिएगा आपके नीचे तीन गोला फिर आएगा, ये सेम कार्यक्रम फिर चालू होगा। क्या होगा, पहला गोला भरेगा तो $10, दूसरा भरेगा तो $10, तीसरा भरेगा तो अपलाइन हो जाएगा, ये कार्यक्रम सब में है। और ऐसे ऐसे करते हुए आपके कितने स्लॉट है दोस्तों, यहां पे आपके 12 स्लॉट है, और 12वां स्लॉट का कीमत है 9,900 बीओएसडी, और इसमें भी तीन ही गोले हैं दोस्त, सब में तीन तीन गोले हैं। अभी देखिए 2 से 3 कैसे आएंगे, इसका तीसरा का कीमत कितना है, 20। अब देखिए 10 और 10 कितना कमा चुके हैं आप, 20, तो आपका कमाया हुआ पैसा इसमें लग जाएगा, नहीं लगाएंगे तो दूसरा स्लॉट का इनकम बंद हो जाएगा। अब आप दोस्तों दिल पे हाथ रख करके सोच के बताइए, अगर इस प्लान के अंदर यह कंडीशन नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति सेकेंड स्लॉट खरीदता, नहीं खरीदता, इसलिए कंडीशन बहुत जरूरी है, और इस कंडीशन के कारण ही ये प्लान आज इतना रन कर रहा है मार्केट में। कंडीशन नहीं होता तो सेकेंड स्लॉट कोई नहीं खरीदता, अपलाइन फोन करता, अरे भाई साहब आपने तो कमा लिया है, अगला स्लॉट परचेज कर लीजिए ना, वो क्या बोलता डाउनलाइन, सर मैंने कमाया तो जरूर लेकिन खर्च हो गया, बाद में देखेंगे।
लेकिन अब कंडीशन के कारण वो नहीं बोल सकता है कि बाद में देखेंगे, खाना बाद में खाएगा, स्लॉट पहले खरीदेगा दोस्त, ये प्लान ऐसा है। और आप देखिए ये कैसे 2 से 3, 3 से 4 पे जाएगा हर आदमी, ये ऑटोमेटिक प्लान है। इसके नीचे भी कितने गोले हैं? 3 ही गोले दोस्त। अब आप देखिए पहला गोला भरते ही आपको कितना आएगा? 20। दूसरा गोला भरते ही 20 और तीसरा भरते ही अपलिंक हो जाएगा। चौथे का दाम कितना है दोस्त? 40। खरीदना जरूरी है, नहीं खरीदेंगे तो तीसरा बंद हो जाएगा। सेम कहानी, सेम डायग्राम सबका है और सेम पर्पस सबका है। 2 से आपको 1 से अपलाइन। ऐसे करते करते हर बंदा 12वां स्लॉट परचेज कर सकता है दोस्त। और 12वें स्लॉट की कीमत मैंने यहां शो कर दी है $9,900। इसको अगर 10,000 मान ले दोस्त, सिंपल साधा सीधा तरीके से समझाने के लिए $10,000 गुना 80 करेंगे तो 8 लाख रुपए कीमत होगा। और 12वें स्लॉट का अकेला 12वां स्लॉट का कीमत है 8 लाख। और 1 से 11 तक का कीमत कितना लगेगा? 8 लाख। यानी डबल डबल हो रहा है ना, तो 16 लाख रुपए की जरूरत है X3 प्लान के 12 स्लॉट को परचेज करने के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पे कितना लगाया था X3 के पहले स्लॉट में? $5। $5 का मतलब 80 से गुना करेंगे तो 400 रुपए। भाई साहब 400 रुपए लगा के आपने 16 लाख रुपए का स्लॉट परचेज किया। समझिए प्लान को, जोरन आपने कितना दिया? 400 रुपए का, और 16 लाख रुपया का स्लॉट आपने ले लिया। अब आप देखिए यहां से कमा कमा के स्लॉट ले लिए ना। अब आप देखिए 12वें स्लॉट में आप आ गए, खरीद लिया, भले यहां से कमा कमा करके आपने लगा दिया ना, खरीद लिया ना। अभी कितने गोले हैं इसमें? 3। पहला गोला भरेगा कितना आएगा? वही आएगा दोस्त $9,900। हम इसको 8 लाख माने हैं तो 8 लाख मान लीजिए। दूसरा गोला भरेगा कितना आएगा? 8 लाख। और तीसरा गोला भरेगा कहां जाएगा? अपलाइन के पास। और यहां पे खास बात क्या है? 13वां स्लॉट नहीं होने के कारण 16 लाख रुपए आपके पॉकेट में आ जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, जिंदगी भर जितने भी लोग यहां से यहां आते चले जाएंगे, ये 16 लाख रुपया एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनलिमिटेड टाइम आएगा। अब देखिए यहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं प्लान समझ गया, ऐसे ऐसे होगा। दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे लोगों से जब सवाल करते हैं ना कि प्लान समझ गया, बोलता है हाँ समझ गया। दोस्तों जब मैं उससे पूछता हूं 5 लगाया 10 कमाया, 10 आपको ध्यान लगाना पड़ गया ना, कहां है पैसा, खत्म हो गया। 10 लगाया तो 20 कमाया, 20 लगा दिया यहां में तीसरे में, 20 लगाया तो 40 कमाया, 40 भी लगा दिया ना, 40 × 80 कमाया, पांचवे में लगा दिया ना। ऐसे करते करते आप तो सारा पैसा कमाए लगा ही दिए स्लॉट में, पैसा बचा कहां? बहुत सारे लोग बोलते हैं जी सर पैसा कहां बचा, 12वें स्लॉट में जब जाएंगे तब 16 लाख बचेगा। दोस्त आपको प्लान अभी भी नहीं समझ में आया है, आप समझिए इस प्लान की खासियत। इस प्लान के अंदर जो रिसाइकल होता है उसी के अंदर बहुत मजा है। बहुत सारे लोग रिसाइकल नहीं समझते, इसलिए सोचते क्या है जितना कमाया सब तो लगा ही दिया। नहीं दोस्तों, आप मेरी आईडी खोल कर देखिएगा, 2585 मेरी आईडी है। आज के डेट में मेरा ये वाला जो स्लॉट है 170 बार रिसाइकल हो चुका है। 170 बार खोल के चेक कर लीजिएगा, मैं अपनी आईडी बता रहा हूं, 2585 मेरी आईडी है, 170 बार ये रिसाइकल हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है मालूम? ये देखिए, ये एक बार कमाया 5, दूसरे बार 5, तीसरा अपलाइन हो गया, ये खाली हो गया दोस्तों, और ये 3 गोला फिर आपके सामने फ्रेश हो गया। अभी चौथा बंदा जो जुड़ेगा या फिर हमने जिस बंदे को जोड़ा उसका तीसरा मेरे पास आएगा ना, क्योंकि मेरा जब तीसरा अपलाइन को जाता है तो मैं भी तो किसी ना किसी का अपलाइन हूं। तो मेरे डाउनलाइन में जो भी बंदा 2 गोले से पैसा कमाता, 1 गोले से मुझे आता है ना, तो आप देखिए ये मेरे थ्रू या मेरे डाउनलाइन के थ्रू कोई भी गोला भरेगा, 5 आएगा फिर ये अपलाइन को चला जाएगा, ये रिसाइकल हो गया 2, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा 3 गोला, फिर 5 आएगा फिर अपलाइन को जाएगा, ये फिर खाली होगा, ये फिर 5 देगा फिर अपलाइन को जाएगा, ये खाली हो जाएगा, फिर 5 फिर अपलाइन को। ऐसा करते हुए 170 बार मेरा रिसाइकल हो गया। एक ही रिसाइकल का पैसा मैंने आगे दिया होगा ना, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सातवें का, आठवें का, 170 बार रिसाइकल हो चुका दोस्त। स्लॉट भी खरीदा है कितने बार? एक बार ना, ये अनलिमिटेड टाइम हमको पैसा दे रहा है। और मैं आपको बता दूं 170 रिसाइकल का मतलब क्या होता है, मैं कैलकुलेटर निकाल करके आपको समझा ही देता हूं 170 का मतलब क्या हो गया। 170 × 2 यानी 2 से मुझे पैसा आता है, 1 बार अपलाइन को जाता है,
तो 170 गुना दो कितना हो गया दोस्तों, 170 गुना दो ये हो गया दोस्तों 340। यानी मैंने यहां पे $5 एक स्लॉट का बात कर रहा हूं, ऐसा ही सारे स्लॉट में होता है, आप एक स्लॉट समझ जाइए सब समझ जाइएगा। 170 गुना दो यानी $340 मैंने कमाया पहले स्लॉट में, लगाया कितना दोस्त मात्र 5। ध्यान दीजिएगा, हम इंडियन करेंसी में भी प्लान आपको समझा देंगे, पहले आप समझिए डॉलर। आपने 5 और 5 कमाया, अपलाइन को गया, ये बार बार खाली होता है भरता है, खाली होता है भरता है, खाली होता है भरता है, तो यहाँ पे 170 बार रिसाइकल हो चुका है मेरा, तो इसका मतलब है 170 गुना दो $340 मैंने कमाया, लगाया कितना $5 एक बार। दूसरा 340 गुना 5 करता हूं, 340 गुना 5, 5 क्यों, क्योंकि एक गोला भरता है तो 5 आता है, यानी ये हो गया 340 गुना 5 यानी $1700। भाई मैंने यहां पे $5 लगाया था और अभी तक यहां से मुझे $1700 आ चुका। अब रुपए में समझाता हूं मैं, गुना 80 कर देते हैं, 1700 गुना 80 कितना हो गया 1,36,000, 1,36,000 रुपया INR में। मैं समझाऊंगा आपको प्लान, ये क्या हुआ INR में, बात समझे। यहां मैंने 400 रुपया जीवन में एक बार लगाया था और ये रिसाइकल करके मुझे 1,36,000 रुपया अभी तक दे चुका है। और आपको क्या लगता है ये और नहीं देगा? सर ये जीवन भर देगा, क्यों? क्योंकि इसका नियम है कि 2 से आएगा, तीसरा से अपलाइन को जाएगा, ये 170 के जगह 171 हो जाएगा, फिर 2 से मुझे देगा, 1 से अपलाइन को जाएगा, फिर 172 हो जाएगा, ऐसा करते करते जीवन भर पैसा आता रहेगा, एक ही स्लॉट के अंदर बार बार कमाते रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये तो ज्वाइनिंग हो रहा है खाली। भाई साहब सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, रिपर्चेज भी बहुत खतरनाक है इसके अंदर, आप नहीं समझ पा रहे इसलिए आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे। रिपर्चेज क्या है आज बताइए, मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, मेरे से एक बार कमाया ज्वाइन करा के मुझे, और मैं जब 170 बार रिसाइकल कर चुका हूं तो 170 बार मुझसे पैसा जा चुका है ना उनके पास, मुझे भी आता है क्योंकि मैं भी किसी न किसी का अपलाइन हूं। मैं आपको बता दूं मेरे आईडी में 219 आदमी डायरेक्ट स्पॉन्सर है, तो 219 बंदे का जब 2 गोला भरता है तो वो कमाता है, तीसरा गोला से तो मुझे आता है ना। इसलिए अगर यहां से ज्यादा बड़ा इनकम करना है तो स्पॉन्सर पे ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा स्पॉन्सर होगा, जितनी बड़ी बड़ी स्लॉट होगी, उतना बड़ा बड़ा पैसा आएगा। आप स्लॉट का कमाल देखिए, $5 का था तो 5 आता था, 10 का था तो 10, 20 का था तो 20, 40 का था तो 40, सर 8 लाख का है तो 8 लाख आता है। अब आप सोचिए स्लॉट छोटा रहेगा तो छोटा ही पैसा कमाएंगे, बड़ा रहेगा तो बड़ा कमाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों X3 का प्लान आपको समझ में आ गया होगा, और ये 1 से 12 तक जितने स्लॉट हैं सारे स्लॉट रिसाइकल होते हैं। हमने एक समझाया लेकिन दूसरे का भी वही कहानी है, तीसरे का भी वही, और 12वें का भी वही कहानी है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा रिसाइकल, इसलिए अब आप ये नहीं बोलेंगे कि जितना कमाया सब लगा ही दिया। भाई साहब एक बार का रिसाइकल यहां लगाया तो 170 बार का पैसा, 169 टाइम का पैसा तो मेरे ही पास है ना। चलिए अब आइए X4 पे, X4 कैसे काम करता है दोस्तों, स्पीडली मैं आपसे बात कर रहा हूं। X4 कैसे काम करता है, पहला दूसरा किसी के भी काम से भरेगा तो पैसा नहीं आएगा दोस्तों। मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी के भी काम से, यानी यहां पे अपलाइन क्रॉस लाइन से भी आता है। यहां पे 5 आएगा इससे, 5 आएगा इससे, और 5 आएगा इससे, 3 बार आपको 5 5 5 आएगा, और ये भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा, उसमें भी रिसाइकल होता है। तो आप देखिए 5 लगाया 15 कमाया, इसके दूसरे स्लॉट की कीमत कितनी है 10, ये खरीदना जरूरी है। 3 गुना पैसा कमाते हैं तो 2 गुना लगाना पड़ेगा। अगर आपका ये 6 गोला भर जाता है उसके बाद भी अगर सेकंड स्लॉट नहीं खरीदते हैं तो पहले स्लॉट के ऊपर ऐसा दाग लग जाएगा, मार्क लग जाएगा, इसका मतलब पहले स्लॉट से इनकम आना बंद हो गया। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा ना स्लॉट का इनकम आना बंद हो जाए, चाहेगा जिंदगी भर आवे। तो एक कंडीशन है जो फॉलो करना है, आपको दाग लगने के पहले ही अपने स्लॉट को परचेज कर लेना है। और अगर आपके पास फंड है, पैसा है, तो आप अपने मर्जी से पैसा लगा करके भी जितना स्लॉट चाहे उतना स्लॉट खरीद सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि रिसाइकल होने के बाद ही हम सेकंड खरीदेंगे, रिसाइकल होने के बाद ही सेकंड खरीदेंगे। ये मैं आपको लास्ट
प्लान के लास्ट में आपको प्लान के बाद प्लानिंग भी समझा दूंगा कि आज मैंने यहां से 17 महीने के अंदर दोस्तों यहां से मैंने अभी तक लगभग 9 करोड़ रुपया कमाया है और आज मेरे टीम में 17 महीने के अंदर 100 से ज्यादा व्यक्ति करोड़पति बन चुका है, 100 से ज्यादा करोड़पति मेरे टीम में है और ऑल ओवर इंडिया में अपनी टीम चल रही है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेकंड फ्लोर का कीमत 10 है और डायग्राम कितना है दोस्तों, यही है 2x4 का मैट्रिक्स, पहला दूसरा किसी के भी काम से भरेगा तो नहीं आएगा, ये 3 से आएगा, कितना 10 10 10 और ये भरेगा अपलाइन को जाएगा। तो तीसरे का दाम कितना दोस्तों 20, खरीदना जरूरी है, नहीं खरीदेंगे तो यहां दाग लग जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहां पर भी डायग्राम 2x4 का मैट्रिक्स है, क्या होता है पहला दूसरा भरेगा तो नहीं आएगा, तीनों से आएगा, कितना 20 20 और 20, ये अपलाइन को जाएगा। चौथे का दाम कितना दोस्तों 40, खरीदना जरूरी है, आपको कितना आया 20 20 और 20, कितना आया 60 आया, 3 गुना पैसा आया, 2 गुना पैसा आपके लगेगा। अगर आपने पहले से ही पैसा लगा के स्लॉट खरीद रखा है तो सारा पैसा आपका पॉकेट में रहेगा, स्लॉट आगे जो खरीद चुके हैं उसमें नहीं लगाना, उसके बाद वाले स्लॉट में भले पैसा लगा सकते हैं। तो यहां पे और ये भी बात बता दूं कि आप चाहे तो अनलिमिटेड स्लॉट ज्वाइनिंग के साथ अनलॉक कर सकते हैं, आप जितने ज्यादा स्लॉट से जुड़ेंगे उतना बड़ा इनकम आपका होगा, वो लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। 40 वाले में भी देखिए डायग्राम क्या है, सेम है, क्या है 2x4 का मैट्रिक्स है, पहला दूसरा भरता है तो नहीं आता है, 3 से आता है, कितना 40 40 और 40 और ये कहां जाएगा अपलाइन के पास। ऐसा करते करते दोस्तों इसमें भी X4 के अंदर भी 12 स्लॉट है और इसकी कीमत कितनी है दोस्तों $9,900 और डायग्राम क्या काम करेगा, वही काम करेगा 2x4 का, क्लियर दोस्तों 2x4 का मैट्रिक्स है। अब आप बताइए पहला दूसरा यहां भी भरेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि कहानी तो सबका सेम है, यहां 3 से आएगा, कितना अगर इसको $9,900 को मैं 10,000 मान लेता हूं डॉलर, 80 से गुना किया तो कितना होगी 8 लाख, यानी अकेले 12 स्लॉट का कीमत है 8 लाख और 1 से 11 तक का कीमत भी 8 लाख है। तो ये दोस्तों यहां पे 16 लाख की जरूरत यहां भी थी जैसे X3 में था, आपने कमा कमा के स्लॉट ले लिया 16 लाख रुपया का, X4 में भी कहानी क्या होगी, पहला गोला भरेगा तो 8 लाख, दूसरा भरेगा तो 8 लाख, तीसरा भरेगा तो 8 लाख और ये भरेगा लास्ट तो अपलाइन को जाएगा। और 13वां स्लॉट यहां भी नहीं, साफ साफ बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये एक बार दो बार नहीं बार बार रिसाइकल होगा और आप मेरी आईडी ओपन करके चेक करना चाहें तो आप चेक कर ले, मैं आपको बता देता हूं ये भी रिसाइकल उतना ही खतरनाक है जो रिसाइकल आपने X3 में देखा, ऐसे ही रिसाइकल यहां पे होता रहता है और आप चेक कर लीजिएगा। यहां पे मेरे X3 के अंदर 10 स्लॉट है, X4 के अंदर 12 स्लॉट है, 12 का 12 पूरा और यहां पर भी 78 टाइम यानी 78 बार मेरा रिसाइकल हो चुका है और 5 गोला भरा हुआ है, लास्ट गोला बचा हुआ है, एक भरेगा तो 79 बार हो जाएगा। अब आप बताइए एक बार जब भरता है तो 3 गुना पैसा आता है, तो 2 गुना तो आगे लगा दिया, 1 गुना पैसा तो फिर भी रहा ना, वो तो एक रिसाइकल का, दूसरे रिसाइकल में जो फिर 3 गुना पैसा आया वो तो मेरे ही पॉकेट में है, एक भी पैसा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि स्लॉट तो भैया एक के बार खरीदना था ना, खरीद लिया। अब तीसरे बार रिसाइकल हुआ तो फिर 3 गुना पैसा आया, चौथे बार रिसाइकल हुआ तो फिर 3 गुना आया, ऐसा करते करते भैया 78 टाइम 78 बार मेरा रिसाइकल हो चुका है X4 का पहला स्लॉट, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हर स्लॉट रिसाइकल है और ऐसा मत समझिएगा कि 8 16 8 या 24 लाख रुपया आपके पास 12वें स्लॉट में आएंगे, भाई साहब पहले ही स्लॉट से दूसरे ही स्लॉट से बहुत पैसा आ रहा है लोगों को। ठीक है, आप यहां पे 8 या 24 लाख एक बार कमाएंगे, नहीं दोस्तों, कितने बार, 2 बार नहीं 3 बार नहीं, अनलिमिटेड बार, जितना इसको भरेंगे उतनी बार खाली होगा। ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग वहां तक पहुंचेगा। मैंने अगर 219 बंदे को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, इसका मतलब है कि हर बंदा कोई ना कोई 4 स्लॉट पे है, कोई 5वें पे है, कोई 7वें पे है, कोई 8वें पे है, कोई 9वें पे है, जो 9वें पे है वो 10वें में आएगा, जो 10वें में है वो 11वें में आएगा, ये सबके साथ एक ही बात है दोस्त। इसलिए आप नया स्पॉन्सर मारते चले जाइए और पुराने सभी साथियों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, X4 समझ में आ गया होगा, XXX में आइए। XXX में दोस्तों 14 गोला है, आपको मैं बता दूं किस किस गोले से पैसा आएगा, पहले और दूसरे गोले से पैसा नहीं आएगा, चाहे आपके अपलाइन से क्यों ना भर जाए फिर भी नहीं आएगा, आपके काम से भरेगा तो भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, आपका पहला दूसरा का पैसा क्यों नहीं आता है, यहां या यहां या यहां, क्यों,
क्योंकि ये कभी ना कभी अपलाइन के पास चला जाता है, कभी कभी क्रॉस लाइन के पास चला जाता है। इसलिए क्रॉस लाइन में जाता है तो क्रॉस लाइन से आता है, अपलाइन में जाता है तो अपलाइन से आता है। ठीक है, तो ट्रिपल एक्स में क्या है, आपके दो गोले से पैसा नहीं आएगा, उसके नीचे चार, चार में से तीन गोले से पैसा आएगा, इससे नहीं आएगा दोस्त। कितना आएगा, 30% आएगा। ठीक है, और चार के नीचे आठ गोले हैं, आठ गोले में सात गोले से पैसा आएगा, लास्ट आठवें गोले से पैसा नहीं आएगा, और ये सात गोले से कितना आएगा, 70%। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, 100% यहां भी पैसा बटा, 100% यहां भी बटा, 100% पैसा यहां भी बटेगा। कैसे बटेगा देखिए, आपके पहले स्लॉट की वैल्यू कितनी थी, डॉलर आठ, चलिए आठ डॉलर में आपको तीन गोले से मैंने 30% बोला, यानी 8 का 30 कितना होता है, 8 या 24, 2.4 डॉलर करके आपको तीन बंदे से आएगा, ये हो गया 7.2। और नीचे कितना, 8 गोला था चार के बाद, और 8 में से मैंने 7 से बोला, 7 से 70%, तो 8 का 70%, 8 का 70% कितना होता है, 5.6। कितने गोले से आएगा, 7 गोले से आएगा, ये हो गया दोस्तों 39.2, ये हो गया 46.4। अब आप देखिए यहां पे आपने कितना डॉलर लगाया था ट्रिपल एक्स प्लान में, 8, और ये कितना दिया, 46.4। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 48, 6 गुना मैं मान रहा हूं, 6 गुना यानी 8 छके 48, 8 लगाया 8 छके 48 हो गया। भाई साहब अगर 6 गुना पैसा आया तो अब आप बताइए कि अगले स्लॉट को लेने के लिए पैसा है आपके पास या नहीं है। दूसरे स्लॉट की कीमत, इसके दूसरे स्लॉट की कीमत कितनी है, 15, इसको खरीदना जरूरी है। अगर ये रिसाइकल हो गया, 14 गोला फुल हो चुका है और आपने ये नहीं लिया तो पहले स्लॉट पे दाग लग जाएगा, यानी इसका इनकम बंद हो जाएगा, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा और हर आदमी लेगा, यही कंडीशन के कारण तो आज प्लान हिट कर दिया। तो 15 में 6 गुना आएगा, यानी 15 से 90 डॉलर आएगा, 6 गुना का बात हो रहा दोस्त। भाई तीसरे स्लॉट की कीमत कितनी है, 29, 90 आएगा तो 29 नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्यों, यहीं से कमा करके पैसा रख भी रहे और अगले स्लॉट में आप जंप भी कर रहे हैं, तो यहां पे 6 गुना आएगा। चौथे स्लॉट की कीमत है 57 डॉलर, 6 गुना आएगा, और ऐसे करते करते सिस्टम के अंदर 12वां स्लॉट है जिसकी कीमत है 96 96, और इसमें भी डायग्राम वैसे ही है, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, यानी 14 गोले हैं, और यहां पर भी 6% का बात करते हैं, यानी 6 गुना पैसा, सॉरी परसेंट नहीं 6 गुना। अगर यहां पे 96 96 यानी 9696 डॉलर का स्लॉट है, इसको भी मैं मान रहा हूं 10,000 डॉलर। भाई साहब अगर 10,000 डॉलर का स्लॉट है तो कितना दाम हो गया, 8 लाख, और 1 से 11 तक का भी 8 लाख पे किया, 16 लाख रुपए की जरूरत है। भाई साहब अगर 8 लाख पे किया मैंने, भले कमा कमा के किया नो प्रॉब्लम, तो यहां पे 8 लाख पे किया तो 6 गुना का मतलब कितना हो गया, 48 लाख, और 13वां स्लॉट नहीं है, ये पूरा 48 लाख तो आपके पॉकेट में है। क्यों, क्योंकि यहां पे तो स्लॉट खरीदते हैं, कमाते हैं तो खरीदते भी है, लेकिन यहां जब स्लॉट खरीद लिया और कमाई हुई तो उसके आगे तो स्लॉट ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्लॉट के बाद क्या करेंगे, आउट हो जाएंगे क्या, भाई साहब गेम स्टार्ट तब होता है, यानी स्लॉट के बाद प्लॉट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइफ में कभी स्लॉट खरीदना नहीं है, और जितने लोगों को जोड़ेंगे स्टार्टिंग से जोड़ेंगे यहां से, और ये बंदा उठ करके 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 12 तक आ जाएगा, और एक एक बंदा एक एक करोड़ का इनकम आपको देगा दोस्त। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ट्रिपल एक्स भी समझ में आ गया होगा, और ऐसा मत समझिएगा कि एक बार 6 गुना आ गया उसके बाद नहीं आएगा। दोस्तों आप मेरा स्लॉट खोल के चेक कर लीजिएगा, ये भी रिसाइकल होता है, ये प्लान ही रिसाइकल का है, रिसाइकल नहीं समझेंगे तो कभी भी आप इसमें बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अब आइए लास्ट एक्स गोल्ड, दोस्तों एक्स गोल्ड के अंदर मैं आपको बता दूं यहां पे 30 गोले होते हैं, ठीक है 30 गोले होते हैं। अब आप देखिए यहां पे 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो समझिएगा। आपका पहला दूसरा किसी के भी काम से भरेगा तो नहीं आएगा। इसके नीचे 4 गोले हैं, 4 गोले से आपको मिलेगा 20%, 8 गोले हैं, 8 गोले से आपको मिलेगा 30%, और 16 गोले हैं जिसमें 14 गोले से, यानी ये 2 गोले से आपको पैसा नहीं मिलेगा, और इससे कितना मिलेगा परसेंट, 50, कितना हो गया दोस्तों 100, यानी 100 रुपया का बिजनेस आएगा, 100 का 100 पूरा बट जाएगा।
अगर कोई सिस्टम मार्केट में आपको कन्वर्ट करता है ये बोल करके कि फोर्सेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ गया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मजा आएगा। दोस्तों अगर कोई 100 रुपया लेकर के 101 रुपया देने का वादा आपसे करे तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं चीट है, कहीं ना कहीं फ्रॉड है। अगर लालच करते हैं तो अपनी फेस वैल्यू भी खराब करेंगे, अपना भी टीम बर्बाद होगा, अपना खुद को बर्बाद करेंगे, टीम को भी बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरे को लालच नहीं है, आज के डेट में आज बहुत सारे लोग यहाँ पे टिके हुए हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा लिए। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए 100% यानी 100 रुपया का बिजनेस आता है, 100 बढ़ जाता है, इससे ज्यादा लालच क्या करेंगे आप? अगर इससे ज्यादा लालच करेंगे तो आज मार्केट में बहुत सारे कन्वर्ट कर रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ, यहां से वहां, वहां से वहां। प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया, क्या किया, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, कभी इधर कभी उधर, ताकते झांकते रहा और कहीं नहीं पहुंच पाए लोग। कुछ रिटर्न ने कमाया, ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट मार्केटिंग में पैसा नहीं है, लेकिन आप सोचो प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 20 साल लोगों ने लगाए हैं, तब जाके किसी का पे आउट है 80 लाख 90 लाख और 1 करोड़ रुपया महीने का। और हमने तो आपके सामने अपना प्रूफ बता दिया कि सर मैं यहां से 17 महीने के अंदर 9 करोड़ रुपए की इनकम ली। अब आप बताएं वो 20 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जो किया इतना बड़ा पैसा नहीं कमाया जितना कि मैंने मात्र यहां से 17 महीने में कमा लिया। कैसे हुआ संभव? इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये 100% पे आउट है, प्रोडक्ट नहीं है, जिसके कारण कि यहाँ पे कोई बेईमानी शैतानी चीट नहीं कर सकता आपके साथ। आज बहुत सारी कंपनी में मैंने काम किया, कभी आईडी ब्लॉक हो गई, कभी कंपनी बंद हो गई, कभी प्लान चेंज हो गया, कभी लेग शिफ्टिंग हो गया, कभी ये तो कभी वो, ना जाने कितने तरह का प्रॉब्लम। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बिंदास काम करे, जीवन भर इतना पैसा कमाए कि लोग सोचे साला इतना कम टाइम में इतना पैसा लोगों ने कमा लिया, हम मिस कर गए। लोग आपको देख करके सोचे यार इसके जैसा मेरे को बनना है, इसके जैसा बनना है। आज जहां भी मैं जाता हूं भीड़ लग जाती है, क्यों? क्योंकि आज मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, भीड़ का कारण हूं। आप मेरी YouTube के अंदर और भी देखिए वीडियो इतनी सारी, आज की जो मीटिंग है जबरदस्त मीटिंग हुई, आज का मैं वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं इसी चैनल पे, आप देखिएगा बहुत जबरदस्त मीटिंग सेमिनार इसका होता है। तो गोल्ड के अंदर 100% पे आउट आया, कैसे बटा देखिएगा। आपके स्लॉट की कीमत कितनी है? 10। 4 गोले से आपको आएगा 20%, तो 10 का 20 यानी जितने का स्लॉट है उसका 20, तो कितना हो गया दोस्तों? 2 डॉलर करके 4 बंदे से आएगा, कितना हो गया? 8। 4 के नीचे 8 गोले होंगे, 8 गोले से आपको 30% आएगा। किसका 30? स्लॉट के वैल्यू का 30। स्लॉट कितने का? 10 का। 10 का 30 कितना होगा? 3 डॉलर। कितने बंदे से? 8 बंदे से, 24 आएगा। और इसके नीचे दोस्तों मैंने बोला था 16 गोले में से 14 गोले से आएगा, 2 गोले से नहीं आएगा, तो कितना आएगा? 50%। तो 10 का 50 कितना होगा? 5 डॉलर। कितने बंदे से? 14 बंदे से। ये कितना हो गया सर? 70। कितना हुआ? 102 डॉलर। आपने लगाया कितना था? 10। आया कितना? 102। 10 गुना मान ले, 10 गुना मान लेते दोस्तों, 10 गुना पैसा आया। अब आप बताइए कि आप यहां पे क्या करेंगे? सेकेंड स्लॉट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जाएंगे क्या? जाना पड़ेगा। ये प्लान का खासियत है कि जैसी आपके रिसाइकल होगी 30 गोला फुल होगा तो आपको अगले स्लॉट में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे ना तो पहले स्लॉट का इनकम बंद हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो यहां पे दूसरे स्लॉट का कीमत कितना है? 20। अब आप बताइए दोस्तों, 10 लगाया तो 100 आया यानी 10 गुना। ठीक है, अब बताइए 100 डॉलर आया, क्या 20 खरीदने के लिए पैसे नहीं आपके पास? है ना। चलिए तीसरे स्लॉट को खरीद लिया मैंने, कितने में? 30 डॉलर में। 30 और 20 कितना? 50। इसका चौथा स्लॉट है कितने का? 50 का। कितना हुआ? 50 30 80 50 30 80 100। दोस्त एक रिसाइकल के अंदर इतनी ताकत है कि आपको तीन तीन स्लॉट वो खरीदवा सकता है, एक रिसाइकल में इतनी ताकत है। 100 डॉलर आया, 102 डॉलर आया था, 100 माना था मैंने, भैया देखिए 20 और 30 50 और 50 100, तीन तीन स्लॉट एक बार में खरीद सकते हैं आप। अब बताइए क्या कमा कमा करके लोग यहां पे अपने 12वें स्लॉट ले सकता है या नहीं ले सकता है? ऑफ कोर्स सबको ले सकता है। और 12वें स्लॉट की कीमत कितनी दोस्तों? 9870। 12वें स्लॉट की कीमत है 9870। ठीक है, इसको भी मैं मान लेता हूं, सॉरी दोस्त, इसमें 15 स्लॉट होते हैं दोस्त एक्स गोल्ड के अंदर। ठीक है, 9870 यानी इसको भी मैं 10,000 मान लेता हूं, आसान तरीके से समझने के लिए 10,000 डॉलर मान लेता हूं।
80 रुपए के हिसाब से गुना किया था तो 8 लाख रुपए कीमत आया था। इसका भी मैं मान लेता हूं 15वां स्लॉट का कीमत है 8 लाख। दोस्त 1 से 14 भी तो है, 1 से 14 जब कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें कम से कम 12 लाख रुपए लगेगा। 12 लाख और 8 लाख कितना हो गया दोस्तों? 20 लाख। यानी एक्स गोल्ड का पहले स्लॉट से लेकर के 15वें स्लॉट तक में 20 लाख रुपए लगेगा। अब आप दोस्तों ये बताइए, 20 लाख मैंने पॉकेट से लगाए, आपने लगाए? नहीं लगाए ना, यहीं से कमाता गया 10 गुना और अगले स्लॉट में लगाया 2 गुना, 8 गुना तो फिर भी पॉकेट में है। एक स्लॉट के अंदर 10 गुना कमाया, दूसरे स्लॉट का कीमत है 2 गुना, तो भाई 2 गुना लगाया 8 गुना पॉकेट में, 2 गुना लगाया 8 गुना पॉकेट में, ऐसा करते करते हर बंदा 8 गुना पैसा पॉकेट में रखेगा, 2 गुना पैसा लगा के स्लॉट खरीद लेगा। इजी है, हर बंदा 15वें स्लॉट तक जा सकता है। तो 20 लाख रुपए का स्लॉट खरीदा, जोरन कितना दिया था दोस्त? $10 में, यानी 80 से गुना करेंगे तो 800 रुपये। सर 800 रुपये लगाया था आपने एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट में और यहां से 6 गुना कमाया, सॉरी 10 गुना कमाया और 2 गुना स्लॉट में लगाया, 4 गुना, 8 गुना तो पॉकेट में है। इसी हिसाब से आपका यहां पे कितना लगा? 8 लाख। तो यहां पे 10 गुना का बात करें तो कितना हो गया? 80 लाख। दोस्तों ये 80 लाख आपका है, क्यों? क्योंकि 16वां स्लॉट यहां पे सिस्टम में नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा ये भी पैसा आपका हो गया। और ऐसा मत समझना दोस्तों कि एक बार पैसा आएगा, यहां पे जितने स्लॉट देख रहे हैं आप, हर स्लॉट रिसाइकल होता है। गंभीरता से प्लान को समझने की कोशिश करें, हर स्लॉट रिसाइकल होता है, जिसके कारण यहां पे एक बार पैसा लगा करके मैं बार 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 यहां पे पैसा कमाता हूं। और अब मैं इस प्लान के लास्ट छोर के तरफ जा रहा हूं और मैं आपको अब अपने सक्सेस का राज बताना चाहता हूं। आज हमने यहाँ पे कम टाइम के अंदर इतनी बड़ी इनकम कैसे करी, और हमारे टीम के अंदर 100 व्यक्ति करोड़पति लगभग क्रॉस कर चुका है, वो कैसे हुआ संभव इतने कम समय के अंदर? अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसके डीप नॉलेज में जाना, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लान तो सब बंदा आपको समझा सकता है, लेकिन आज मैं इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको प्लानिंग समझाना चाहता हूं कि रियल में अगर प्लानिंग वे में काम करें तो बहुत कम टाइम में, यानी 3 से 6 महीना होते होते आप और आपकी पूरी टीम करोड़पति बन सकती है। 3 से 6 महीना का समय में बोल रहा हूं आपको, 3 से 6 महीने। अभी जो मैं प्लानिंग आपके बीच रखूंगा, इसी प्लानिंग के तहत आज मैंने यहां से इतना बड़ा इनकम किया इतने कम टाइम में, और मेरी टीम के अंदर इतने लोगों ने इतना पैसा कमाया। क्या प्लानिंग है दोस्तों? मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, सवाल सुनिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। X3, X4, XXX, X Gold, चारों प्लान आपने देखा, मैंने कोशिश करी आपको पूरा प्लान समझाने की, कुछ कुछ समझ में आया होगा। आपने इस पूरे प्लान के अंदर एक चीज ध्यान दिया होगा, स्लॉट खरीदना जरूरी है। आप कमाएंगे तो अगला स्लॉट में जाना ही होगा, हर हाल में स्लॉट खरीदना है, ठीक है? बिना स्लॉट खरीदे आप इसमें कंटिन्यू उसी स्लॉट से पैसा नहीं ले पाएंगे, उसी स्लॉट से कंटिन्यू पैसा लेने के लिए अगले स्लॉट को अपग्रेड करना मस्ट है, ठीक है? तो आपको मैं यह कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जब आप बड़ा कमाना चाहते हैं, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप बड़ा कमाना चाहते हैं कम समय के अंदर? तो अगर चाहते हैं जो व्यक्ति इसको, क्या आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बड़ा कमाना चाहते तो मैं बड़ा कमाने का रास्ता आपको दिखाता हूं। आपको मैं क्या बताया, मैंने यही बताया कि हर हाल में स्लॉट खरीदना जरूरी है, मस्ट है, नेसेसरी है। तो आपको क्या करना है, कुछ स्लॉट आपको अपने पॉकेट से पैसा लगा के खरीद लेना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब स्लॉट खरीदना जरूरी है तो भाई मैं कमा करके स्लॉट खरीदूं चाहे मैं पॉकेट से पैसा लगा के स्लॉट खरीदूं, स्लॉट तो मेरा है, हम पहले खरीद लेंगे तो बाद में नहीं खरीदना पड़ेगा, जितनी कमाई होगी वो मेरी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए एक पान दुकान भी कोई खोलता है तो 1 से 1.25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है और दिन का वो 300 से 500 रुपए कमाता है। तो मैं यहां पे बड़ा कमाना चाहता हूं तो कुछ लगाना पड़े तो क्या लगाएंगे? अगर दोस्त कुछ लगाना चाहते हैं तो बड़ा कमाई बहुत जल्द हो सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है? देखिए मैंने आपको बताया था X3 का प्लान, दूसरा प्लान बताया था X4, तीसरा प्लान बताया था XXX और चौथा प्लान बताया था मैंने आपको X Gold। और इसमें आपको बोला था पहले स्लॉट का कीमत कितना है दोस्त? 5। दूसरे का कीमत कितना मैंने बोला था? 10। तीसरे का 20, चौथे का 40, पांचवे का 80। दोस्त
मोटा मोटी मान के चलो $160 आपका एक्सरी में लग सकता है अगर आप एक बार में खरीदते हैं ज्वाइनिंग के साथ। पहला स्लॉट यहां पर भी 5 का है, दूसरा स्लॉट यहां पर 10 का है, तीसरा स्लॉट यहां पे है 20 का, चौथा स्लॉट यहां पे है 40 का और पांचवा स्लॉट है भाई 80 का। यहां भी $160 आपका एक्सपोर में भी लग जाएगा। ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट कितने का है? 8 का। दूसरा स्लॉट कितने का है? सॉरी, पहला स्लॉट है 8 का, दूसरा स्लॉट है 15 का, तीसरा है सर $29 का, चौथा है 57 का और पांचवा है 111 का। क्लियर? ये हो जाएगा दोस्त, जोड़ के देख लीजिएगा $220 होगा। गोल्ड के अंदर आते हैं, इसका पहला स्लॉट है 10 का, इसका दूसरा स्लॉट है 20 का, तीसरा स्लॉट है 30 का, चौथा स्लॉट है 50 का और पांचवा स्लॉट है दोस्तों इसका 80 का। ये हो गया $190। ठीक है सर, इसको जोड़ देते हैं 0000 6 6 12 12 13 14 और 14 और 9 कितना हो गया दोस्तों 14 10 24 में 1 कम 23 3 दो बचा, 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7 $730 और प्लस $20 रख दीजिए आप स्मार्ट चेंज में, कितना हो गया ये 750 गुना 80 कर देंगे दोस्त। अब मैं आपके सामने ये प्लान ₹60,000 का दिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़ी इनकम करूं और बड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5-5 स्लॉट से मैं स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। अगर आपके पास और फंड है और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप क्या करें, 5-5-5 के बदले आप 6-6-6-6 चारों प्लान का 6-6 स्लॉट एक्टिव करें, अनलॉक करें, तो यह प्लान हो जाएगा 1,20,000 का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं और बड़ा मैं कमाऊं, प्लान समझ में आ गया आपको, तो दोस्तों ये प्लान 2,40,000 का कर सकते हैं आप। कैसे? 7 स्लॉट ले सकते हैं आप। अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को सारे स्लॉट ले लेने हैं, भैया 70,00,000 रुपया लगा के आप सारे स्लॉट ले सकते हैं, एक दिन में ले सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं रिसाइकल होगा तब ना, भाई साहब ऐसा नहीं है, आप जितना स्लॉट चाहे अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग के साथ कर लिए तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए जितना गुड़ दीजिएगा मीठा उतना ही होगा, गुड़ कम करिएगा तो मीठा भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये 60,000 का प्लान है। अब आप बोलेंगे सर 60,000 तो है नहीं मेरे पास, कैसे करूं? भाई साहब सबसे पहली बात आप अगर जरूरी समझिएगा इस प्लान को, इस प्लान के अंदर जुड़ना और जोड़ना जरूरी समझिएगा, तो 60,000 क्या है? कुछ भी नहीं है। आप कितना इससे भी ज्यादा पैसा का जरूरत पड़ेगा तो आप अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन किसी कारणवश आप घर से निकले और एक्सीडेंट हो गया और पैर में आपको प्लास्टर करना पड़ जाए, प्लेट लगाना पड़ जाए, तो क्या ₹60,000 खर्चा अगर डॉक्टर ने बोला 60,000 का जुगाड़ हो सकता है? या आप अपने पैर को ऐसे ही छोड़ देंगे, या आपके साथ या आपके बच्चे के साथ आपके फैमिली मेंबर के साथ, खुदा ना करे ऐसा किसी के साथ हो, क्या इतना जरूरी हम समझते हैं फोर्सेज को? नहीं समझते, जिसके कारण कि प्लान समझते नहीं हम लोग, और नहीं समझते हैं तो जुड़ करके भी बड़ा पैसा कमा नहीं सकते। मैं बार बार बोलता हूं फोर्सेज का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ में आए तो पहले जैसा। क्यों बोलता हूं बार बार, हकीकत है। मेरे साथ भी लोग जुड़े, मेरे बाद भी जुड़े, मेरे साथ भी जुड़े, बाद भी जुड़े, पहले भी, बाद में, साथ में भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पहले आओ पहले पाओ, सर ऐसा नहीं है। फोर्सेज के प्लान के अंदर खास बात यह है कि पहले भी आओगे तो भी पैसा नहीं कमाओगे, बाद में आओगे तो भी नहीं कमाओगे, कमाओगे कब? जब प्लान समझ में आएगा तब कमाओगे आप। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं 60,000 की बात कर रहा हूं, आपके पास नहीं है फंड, तो क्या करना है सर? आपको 4-4-4-4 से चालू करना है। ये प्लान कितने का हो जाएगा? 60,000 का आधा कर देंगे, 30,000 का प्लान हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 30,000 भी नहीं लगाऊंगा मैं। सबसे पहली बात, आप नहीं लगाएंगे तो बड़ा कमाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं है बाद में करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लान के 3, 3 और 3 और 3 चारों प्लान का 3-3 स्लॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए। ये प्लान कितने का हो जाएगा? ये प्लान लगभग 15,000 का हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं 15,000 भी नहीं है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इसका दो से चालू करें। ये प्लान लगभग कितने का हो जाएगा? 8-9,000 का हो जाएगा। आपको लगता है नहीं 8-9,000 भी 10,000 भी नहीं है मेरे पास, तो भाई साहब जिंदाबाद,
एक स्लॉट एक स्लॉट एक स्लॉट एक स्लॉट, जो 3000 मैंने बताया आप शुरुआत करें, लेकिन करें, लेकिन इतना जान लीजिए अगर बड़े से किए होते तो क्या होता मैं आपको समझाता हूं अभी। सपोज करिए दोस्तों एक बंदे को आपने 60,000 का प्लान समझा दिया, क्योंकि जब आप किसी के सामने डिस्कशन करेंगे आप पूछेंगे क्या बड़ा कमाना चाहते हैं, बोलेगा हाँ भाई साहब, लोगों को पता है कि अगर बड़ा कमाना है तो कुछ लगाना भी पड़ेगा तो लगाएंगे, हर आदमी एग्री है सराज, ठीक है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये स्लॉट का कमाल है, ठीक है। आप प्लान समझिए स्लॉट के अंदर क्या खास बात है। पहले बंदे को आपने ज्वाइन कराया अगर 60,000 से, और मैंने आपको क्या कमिटमेंट किया था, हर व्यक्ति 3 से लेकर के 6 महीना होते होते हर व्यक्ति आपका टीम का करोड़पति है, ज्वाइनिंग का डेट से 3 से 6 महीना होते होते सब आदमी करोड़पति बन जाएगा, और चाहते भी आप यही है। तो ये प्लान अगर कॉपी कर लिए लोग 60,000, और पहली बात आपको ये भी बता दूं कोई जरूरी नहीं है, कंडीशन नहीं है आपके साथ कि आप 60,000 से ज्वाइन किए हैं तो सारे बंदे को 60,000 से जोड़ेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपको 3000 वाला आएगा तो भी जोड़ दीजिए, आपको 2-2 स्लॉट वाला आएगा तो भी जोड़ दीजिए, आपको कितनों को आएगा जोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे आपने 60,000 से ज्वाइन किया और कोई बंदा अगर मान लीजिए 1,20,000 से ज्वाइन कर गया, आप 5-5 स्लॉट से आए और कोई 6-6 स्लॉट से जुड़ गया तो क्या होगा सर, 6 स्लॉट का आपका अपग्रेडेशन नहीं है ना, तो 6ठा स्लॉट का पैसा कहीं और चला जाएगा, ये ओवरटेक होकर के अपलाइन को चला जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, मेरा टीम था मेरा डाउनलाइन था, भाई साहब आपने 5 ही स्लॉट लिया तो 5 ही स्लॉट में आप कमाओगे ना, 6ठे स्लॉट लिए ही नहीं है, एक्टिव ही नहीं किए हैं, तो आपको पैसा कहां से आ सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप कि आपका डाउनलाइन आपसे ज्यादा स्लॉट लिया तो आपका वो स्लॉट जो खरीदा नहीं है उसमें पैसा नहीं आएगा। इसलिए कभी भी अपने डाउनलाइन के बराबर नहीं रहना चाहिए, आपका डाउनलाइन अगर आपको ओवरटेक कर लिया तो आपका पैसा छलांग लगा करके सुपर सीड होकर के ऊपर चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं रहूंगा तो मेरी टीम मेरे हिसाब से चलेगी, भाई साहब आपका टीम को बंदा को अगर प्लान समझ में आ गया ना तो आपको भी छोड़ता वो बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस प्लान के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर रोता है कि मेरी अपलाइन ने सर मुझे जोड़ दिया और भाग गया दूसरी कंपनी में, सर आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप रोइए मत, आप हंसिए, मिठाई बांटिए, क्यों, क्योंकि यही तो चाहिए था, यही अगर हो गया, अगर वो साथ रहता तो वो भी कमाता, अगर वो साथ नहीं है उसको छोड़कर भी आप बड़ा कमा सकते, क्यों, क्योंकि उसकी जितनी स्लॉट है उससे ज्यादा स्लॉट आप अगर कर देते हैं तो ओवरटेक हो जाएगा, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अपलाइन अगर मर भी गया आपका, अपलाइन आपको जोड़ करके भाग गया तो टेंशन मत लीजिए, ये आपके लिए अच्छा हुआ है। इसलिए बहुत सारे लोग जब मेरे को फोन करते हैं सर मैं उसके साथ जुड़ा था ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई साहब आप अपने आईडी का स्लॉट बढ़ा दीजिए सब हो जाएगा ठीक ठाक। इसलिए जितने तरह का बीमारी है, फोर्सेज आने के पहले जितनी भी कंपनी चल रही थी मार्केट के अंदर, जितने तरह का प्रॉब्लम हुआ था या हुआ है या हो रहा है, उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिस्टर लाडो ने पहले ही बना दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रोएंगे, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो रोना बंद करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे अरे मजा आ गया, मेरी अपलाइन जो मेरे को जोड़ी थी वो भाग गई, अब मेरे को पूरा फील्ड मिल गया अकेला काम करने का, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी स्लॉट उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी जो स्लॉट आपके अपलाइन जो इमीडिएट आपको जोड़े थे वो भाग गए, उसका अगर स्लॉट नहीं है तो उसके ऊपर जो बंदा स्लॉट लिया होगा वो आपका अपलाइन बन जाएगा दोस्त। इसलिए डरते क्यों है आप, टेंशन क्या लेते हैं, ये प्लान तो यूनिक है, आप धीरे धीरे समझते जाइए, बारीकी समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि साला ये तो गजब का प्लान है यार, ऐसा प्लान तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। अगर एक बंदे को 60,000 से मैंने जोड़ दिया तो क्या होगा दोस्तों, उसको भी आपके चारों प्लान के अंदर कितना कितना स्लॉट मिलेगा, 5, 5, 5, 5। अब देखिए कमाल, वो एक बंदा आएगा और आपके X3 का पहला गोला भरेगा, X4 का पहला गोला भरेगा, XXX का पहला गोला भरेगा और X गोल्ड का पहला गोला भरेगा। दोस्त क्या हुआ कहानी देखिएगा जरा, तुरंत X3 प्लान का $160 आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया। जैसे दूसरे बंदे को आपने जोड़ा फिर 60,000 से, वो दूसरा बंदा आपके दूसरे गोले में जाके फिल करेगा, दूसरा बंदा दूसरे गोले में जाके फिल करेगा, XXX के अंदर दूसरा गोला फिल होगा और X गोल्ड के अंदर दूसरा गोला फिल होगा। क्या हुआ, X3 का $160 तुरंत आपके पास आ जाएगा। तीसरे बंदे को ज्वाइन कराइए 60,000 से, तीसरा बंदा जुड़ते ही ये चला जाएगा आपकी रिसाइकल, ये आपको नहीं मिलेगा, आपके अपलाइन के पास चला गया।
तीसरा बंदा यहां आएगा, तीसरा बंदा यहां आएगा दोस्त, तीसरा बंदा यहां आएगा। क्या हुआ, तीसरे बंदे का एक्स फोर का $160 आपके पास आ जाएगा। ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स में कितना है $220, और ये कितना है सर 30% का स्लॉट है, ठीक है 30% मिलेगा, तो 220 का 30 कितना होता है $66 आपको आ जाएगा ट्रिपल एक्स प्लान से। और आ जाइए एक्स गोल्ड में, ये कितने का है दोस्त 20% वाला, कितने का $190 का 20%, कितना हुआ $38 आपके पास तुरंत आ जाएगा। ये हुआ पहले बंदे का, ये दूसरे बंदे का, ये तीसरे बंदे का। अभी देखिए चौथे बंदे को जब आप जोड़ते हैं 60,000 के प्लान से क्या होगा, चौथा बंदा भाई साहब आपका रिसाइकल होने के बाद ये पहले गोले में आके फिट होगा, चौथा बंदा यहां फिट होगा एक्स फोर में, ट्रिपल एक्स में चौथा बंदा यहां फिट होगा, और गोल्ड प्लान के अंदर वो बंदा यहां फिट होगा। देखिए कमाल क्या हुआ, एक्स थ्री के अंदर तुरंत $160 आपके पास, एक्स फोर प्लान का $160 आपके पास, ट्रिपल एक्स प्लान का $66 आपके पास, और एक्स गोल्ड प्लान का $38 आपके पास। ये चौथे बंदे का जैसे ज्वाइनिंग डालेंगे वैसे ही कमीशन आपके पास आएगा। और पांचवा, हम पांच बंदे को जोड़ के दिखा देते, पांचवे बंदे को जोड़ेंगे आपके बीच वाले गोले को वो फिल कर जाएगा, पांचवा बंदा यहां फिल करेगा, पांचवा बंदा यहां फिल करेगा ट्रिपल एक्स में, और गोल्ड प्लान के अंदर वो पांचवा बंदा यहां फिल होगा। क्या हुआ, पांचवें बंदे से भी आपको एक्स थ्री का $160 तुरंत आएगा, एक्स फोर प्लान का $160 तुरंत आएगा, ट्रिपल एक्स प्लान का $66 तुरंत आएगा, और एक्स गोल्ड प्लान का $38 तुरंत आएगा। दोस्तों आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा कितना कम लोगों के साथ आपने काम किया और कितनी बड़ी अर्निंग यहां से आपने करी। अब आप सोचिए अगर 3-3 हजार का प्लान आप समझाते रहते तो इतनी इनकम करने के लिए आपको कितना काम करना पड़ता। अब आप सोच के देखिए, मात्र 5 आदमी के साथ अपन काम किए और बड़े बड़े स्लॉट से ज्वाइन किए, बड़े बड़े स्लॉट से जोड़ दिए और इतना बड़ा इनकम हो गया। ये प्लान गजब है दोस्त, टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, मैंने पूरी कोशिश करी आपको पूरा का पूरा प्लान मैं समझा दूं, और प्लान के बाद मैंने लास्ट में प्लानिंग भी आपको समझा दिया जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा लोग पैसा कमाना तो चाहता है लेकिन उसको मालूम नहीं है करना क्या है। तो मैंने आज आपको बताया कि भाई साहब ये 60,000 का प्लान नहीं है, 3,000 का प्लान नहीं है, मालूम है कितने का प्लान है, 70 लाख रुपए का प्लान है। कैसे, एक्स थ्री का 12 स्लॉट लेंगे ना तो लगभग लगभग आपको लग जाएगा कितना 16 लाख, एक्स फोर में 16 लाख और ट्रिपल एक्स में 16 लाख, 16 तिया कितना हुआ 48 लाख, इसमें 2 लाख ऐड करके 50 लाख मान लेते हैं, और एक्स गोल्ड में मैंने कितना बोला 20 लाख, यानी 50 और 20 70 लाख। दोस्तों ये प्लान मिनिमम 3,000 का है और मैक्सिमम 70 लाख रुपए का प्लान है। अब आप सोचिए कि 70 लाख रुपए का प्लान है और आप 3,000 का प्लान समझने की भूल कर रहे हैं। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा पैसा होगा तो आप बड़ा कमाएंगे, यहां पे आप रिसाइकल कर करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और मैं अब आपसे विदा लेता हूं, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस था मैंने आपके सामने शेयर किया, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही जबरदस्त आपको ये वीडियो आपके टीम को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करेगा। फिर मैं आपको जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो आप अपने पूरे टीम के पास ये वीडियो भेजें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप अपने टीम में भेज करके प्लान की पूरी जानकारी लोगों के पास दें। क्यों, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद कम टाइम में ज्यादा डेवलप करना और कराना है, जिसके कारण मैंने यहां यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच आकर के कुछ बातें रखी। क्यों, क्योंकि आज के डेट में इतनी ज्यादा व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप हो चुकी है कि किसी को भी वीडियो भेजना बड़ा ही टफ हो चुका है, एक एक घंटे दो दो घंटे बर्बाद हो जाते हैं एक वीडियो भेजने में। इसलिए आज के डेट में यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने पूरे ग्रुप के साथ शेयर करें। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों।
फिर से जाते जाते मैं यही कहूंगा आपको, मार्केट में बहुत सारे प्लान आते जाते रहेंगे, किसी भी प्लान को देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, क्योंकि फोर्सेज जब जुड़ गया तो दूसरे की जरूरत नहीं है। इसलिए जाते जाते मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूं आपको, मैं दोस्त हूं आपको, मैं यानी हम दोस्त हैं आपके, हम दोस्त हैं आपके, कंफ्यूज मत करना, हम दोस्त हैं आपके, कंफ्यूज मत करना, इस दोस्ती के बल्ब को कभी फ्यूज मत करना। जिंदगी में आएंगी बहुत सारी कंपनियां या सिस्टम, जिंदगी में आएंगी बहुत सारी कंपनियां या सिस्टम, फोर्सेज के अलावा किसी को चूज मत करना। ओके, धन्यवाद दोस्तों, फिर से एक बार दिल से नमस्कार, और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं बस यही चाहता हूं कि आपका 2022 जो शुरुआत हुआ है वो बहुत ही अच्छा बीते, और आपके जितने भी सपने हैं वो सारे सपने फोर्सेज में आकर के कम टाइम के अंदर सभी पूरे हो जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, जय फोर्सेज। ओके, धन्यवाद।